नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स किन किन सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए मान्य होगी। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। अब होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी फिटनेस सर्टिफिकेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। जो सर्टिफिकेट्स हम आज बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी जब थी, अब तो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी हो चुका है, उस वक्त से ये सर्टिफिकेट्स बनाने का अलाउंस दिया गया था। जो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स 11 तरह के सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं, और इसी के बारे में आज हम जानेंगे कि सर्टिफिकेट जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के द्वारा अलाउड किया गया है, एक रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर के द्वारा जो इशू किया जा सकता है, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। इसमें सबसे पहला जो है, आप देख सकते हैं कि बाय डॉक्टर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स, इसमें जो पहला सर्टिफिकेट्स है वो है दोस्तों, आप देखिए, सर्टिफिकेट्स ऑफ बर्थ और डेथ और डिस्पोजल ऑफ द डेड अंडर वेरियस सेंट्रल एक्ट्स और स्टेट एक्ट्स, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और डेड बॉडीज के डिस्पोजल की बात जो होती है, उसका सर्टिफिकेट्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स दे सकते हैं, इशू कर सकते हैं। दूसरा है सर्टिफिकेट्स ऑफ ल्यूनेंसी एंड मेंटल इलनेस अंडर द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 क्लाउज जो होता है 14 एंड द रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब कि पागलपन और मानसिक विकार जो होते हैं उसका ही सर्टिफिकेट इशू किया जा सकता है 1987 लॉ के अनुसार। तीसरा है सर्टिफिकेट्स अंडर द एजुकेशन एक्ट्स, ये शिक्षा से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू किया जा सकता है। चौथा है सर्टिफिकेट्स अंडर द पब्लिक हेल्थ एक्ट्स एंड ऑर्डर्स मेड देयर अंडर, पब्लिक हेल्थ एक्ट्स के अनुसार जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू किया जा सकता है। पांचवा है सर्टिफिकेट्स अंडर द एक्ट्स एंड ऑर्डर्स रिलेटिंग टू द नोटिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसके नोटिफिकेशंस के अनुसार उस पर आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अगला इसमें जो है छठा, सर्टिफिकेट्स अंडर द ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 क्लाउज 34 ऑफ 1948 के अनुसार भी सर्टिफिकेट इशू किए जा सकते हैं। सातवां है सर्टिफिकेट्स इन कनेक्शन विद सिक बेनिफिट इंश्योरेंस एंड फ्रेंडली सोसाइटीज, सिक बेनिफिट के लिए भी सर्टिफिकेट इशू किए जा सकते हैं। आठवां है सर्टिफिकेट्स फॉर प्रोक्यूरिंग और इशूइंग ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट बनवाने के लिए भी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर। नौवां है सर्टिफिकेट्स ऑफ इलनेस फॉर सीकिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम अटेंडिंग कोर्ट ऑफ जस्टिस इन पब्लिक सर्विसेज इन पब्लिक ऑफिसेज और इन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलनेस का सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं, जिससे कि आपको अगर कोर्ट में हाजिरी देना हो, अगर उससे आप वंचित रहना चाहते हैं सिक के कारण, तो यह भी मान्य होगा सर्टिफिकेट अगर होम्योपैथिक डॉक्टर इशू करते हैं तो। दसवां है सर्टिफिकेट्स इन कनेक्शन विद मैटर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस, पेंशंस के डिपार्टमेंट में भी जो मैटर्स आते हैं उस पर भी आप सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स। ग्यारहवां है सर्टिफिकेट्स फॉर प्रोक्यूरिंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं, आपके हेल्थ एंड वेलनेस का जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो होम्योपैथिक डॉक्टर इशू कर सकते हैं।